और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज हम सुबह सुबह अपना ब्लॉग यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि अभी अभी हम जा रहे हैं खाना पकाने, और खाने में आज हम बनाने जा रहे हैं अंडा करी, क्योंकि आयुष्मान के पापा कल रात में अंडा लेकर आए हैं। उनका कल ही मन था अंडा खाने का, तो हम नहीं बना पाए थे, काफ़ी देर हो गई थी हमको, तो हम इसलिए कल नहीं बनाए थे, तो आज हम बनाएंगे। तो अभी हम अंडे बॉईल करेंगे। सबसे पहले हम अंडे अभी रख देंगे, 5 से 6 अंडे हम बनाएंगे, बहुत ज़्यादा सब्जी हम नहीं बनाएंगे क्योंकि उनके लिए ही हम बना रहे हैं, और बिटिया भी हमारी खाती हैं बड़ी वाली, वो भी पसंद करती हैं अंडा करी, तो उनके लिए भी बनाएंगे। और हम आगे दाल चावल भी बनाएंगे क्योंकि भैया हमारा बिल्कुल भी नहीं खाता, अंडा भी नहीं खाता है, मीट मछली कुछ भी नहीं खाता है, तो भैया के लिए, और बिटिया हमारी छोटी वाली बिटिया भी नहीं खाती है, वो तो बिल्कुल पंडित हैं क्योंकि वो तो प्याज तक नहीं खाती हैं खाने में, तो उनके लिए हम, इन दोनों के लिए और अपने लिए भी हम दाल बनाएंगे, चावल बनाएंगे, अंडा करी बनाएंगे और रोटी बनाएंगे। दोस्तों आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिएगा, अभी हमको बहुत सारे काम भी करने हैं। अभी पहले खाना बनाएंगे और उसके बाद हमको ढेर सारे कपड़े भी धुलने हैं क्योंकि आज संडे है और संडे के दिन तो बहुत सारे कपड़े भी होते हैं, तो इसलिए हम जा रहे हैं अभी कपड़े धुलेंगे। पहले खाना पका के रख देंगे और उसके बाद हम कपड़े धुलेंगे। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपको पूरा दिन का रूटीन दिखाएंगे अच्छे से, तो आप सभी लोग देखिएगा। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे प्लीज़ तो हमारी वीडियो को लाइक भी करना, शेयर करना, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा फ्रेंड। और ये अंडे हमारे रखे रखे फूट भी गए हैं, आप लोग देख सकते हैं, ये शुक्रवार की रात में अंडे लेकर के आए हैं, शनिवार को ये पूरा रात फ्रिज में रखा रहा और आज संडे के दिन हम इसको बनाने जा रहे हैं। ये चिटक भी गया है, फट गया है, तो इसको देखते हैं कैसे क्या करना है। तो अभी हम इसको रख देंगे इंडक्शन पर ही हम रखेंगे और इसको पका लेंगे। पहले हम इसको बॉईल करेंगे, थोड़ा सा हम इसमें नमक भी डाल देंगे, नमक डालकर हमने इसको रख दिया है और इस पर हम ढक्कन लगा देंगे। थोड़ी देर में हमारे ये अंडे बॉईल हो जाएंगे, तब तक हम अपना करी बनाने का इंतजाम कर लें। प्याज लहसुन टमाटर वगैरह हम काट के रख लेते हैं क्योंकि हमारी मिक्सी ख़राब है, और जब ख़राब होती है मिक्सी तो हमको पूरा काट के ही बनाना होता है, तो हम छोटा छोटा प्याज काटेंगे, लहसुन काटेंगे, हमको बहुत टाइम लगेगा। और प्याज कट कर लेते हैं, अंडे बॉयल हो चुके हैं और अब हम जा रहे हैं दाल डालने क्योंकि दाल भी हमें बनानी है, तो हम दाल अभी डाल देंगे, पक जाएगी, हम मिक्स दाल बनाएंगे। ये मसूर अरहर और उड़द की दाल मिला के हम बनाएंगे, मिक्स दाल बना रहे हैं, मिक्स दाल ही हम बनाते हैं ज़्यादातर करके, हम मिक्स दाल बनाते हैं, अरहर दाल हम बहुत कम बनाते हैं, हफ्ते में 1 या 2 बार ही बनाते हैं। आज फिर हम मिक्स दाल ही बनाने जा रहे हैं, तो अभी हम फटाफट इसको धुल के कुकर में रख देते हैं और 2 सीटी आएंगी बस हमारी दाल भी पक जाएगी। तो जब तक दाल में सीटी आएगी तब तक हम अंडे छीन लेंगे इनको। ये एक अंडा फटा हुआ था तो वो पूरी तरह से फूट गया है दोस्तों, तो हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए ये पूरी तरह से फूट गया है क्योंकि ये पहले से फूटा हुआ था, हमें लग रहा था कि ये फूट जाएगा। और हमारे सारे अंडे अच्छे से बॉईल हो चुके हैं, पक गए हैं अच्छे से, तब तक इनको छीन लेते हैं, ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। तो ग्रेवी की तैयारी लगभग हमने कर ली है, जो मैंने टमाटर कट नहीं किए हैं, टमाटर भी हमको भी कट करना है। प्याज हमने काट लिया है, छोटा छोटा हमने प्याज काटा है, ये देखिए हमने 4 हरी मिर्च ली है, अदरक लिया है, लहसुन लिया है, तो इन सभी को हमने छोटा छोटा काट लिया है। अभी हमने टमाटर नहीं काटा है, तो अभी हमें टमाटर काटना है, तो तब तक हम इसको छील लेते हैं। अब ये जल रहा है, अभी थोड़ा सा हम इसको और ठंडा होने देंगे, पंखे के नीचे रख देंगे तो ये जल्दी ठंडा होगा क्योंकि टाइम हो रहा है, 11:30 बज गए हैं, नहीं तो हमें बहुत देर हो जाएगी, खाना हमारा बनने में काफ़ी लेट हो जाएगा, तो हम इसको पंखे के नीचे रख देते हैं। अंडे हमने रख दिए हैं पंखे के नीचे ठंडे होने के लिए, और 2 टमाटर भी इसमें लेंगे, तो इसको भी हम छोटा छोटा काट लेंगे। छेद नहीं करेंगे तो ये अंडे हमारे दग भी सकते हैं, जिससे हमें चोट भी लग सकते हैं या हम जल भी सकते हैं, तो इसलिए जब कभी भी आप लोग अंडा बनाइए, अंडे को जब फ्राई करना हो तो उसको
छह जरूर करिए, चाहे आप माचिस की तीली से कर लीजिए या कटलरी ले लीजिए उससे कर लीजिए, किसी भी तरह से आप इसमें छह जरूर करिए, छेद नहीं करेंगे तो ये दब जाएंगे। तो बस अब हमारा सब रेडी हो चुका है, अंडे हमने छील लिए हैं और अंडे में हमने छेद भी कर लिया है। और अब हम गैस को ऑन करेंगे क्योंकि ये सब्जी हम गैस पे बनाएंगे। गैस को हम ऑन करेंगे और इस पे रख देंगे कढ़ाई। इस सब्जी को हम लोहे की कढ़ाई में बनाएंगे। लोहे की कढ़ाई में सब्जी बहुत टेस्टी बनती है तो इसलिए हम लोहे की कढ़ाई में ही बनाएंगे। और इसमें हम डालेंगे तेल सरसों का, ये सरसों का तेल है, इसमें हम अंडा फ्राई करेंगे पहले और उसके बाद हम इसी तेल में सब्जी छौंक देंगे। सब्जी छौंकने के लिए हमने यहाँ पे तेज पत्ता ले लिया है, दालचीनी के तीन चार टुकड़े लिए हैं, जीरा लिया है, काली मिर्च ली है, दो लौंग लिए हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डालेंगे, तेल में पकाएंगे। अभी जब इसको जब ये अंडे हमारे पक जाएंगे, फ्राई हो जाएंगे, उसके बाद ही हम ये सारी चीज़ें डालेंगे। सबसे पहले हम अंडा फ्राई कर लेते हैं, इसी करके हम सारी चीज़ें डाल देंगे। ढक्कन लगा के भी अंडे कभी भी हम फ्राई करते हैं तो ढक्कन जरूर लगाते हैं क्योंकि हमको बहुत डर लगता है। मेरी फ्रेंड के साथ एक बार इस तरह से हादसा हो गया था, वो भी बना रही थी अंडा और उसने अंडे में छेद नहीं किया था, ऐसे ही बना रही थी लेकिन वो अंडा पता नहीं कैसे फट गया था तो उसका पूरा फेस खराब हो गया था। तो इसलिए मुझे बहुत डर लगता है। तो हम जब भी बनाते हैं तो इसको बंद करके ही हम अंडे को पकाते हैं। तो ये अंडे हमारे अभी 2 मिनट के बाद हम इसको फिर से घुमा देंगे सारे अंडे ऊपर के नीचे और नीचे को ऊपर कर देंगे। अंडे को उलट पलट करके हम गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। दोस्तों काफी दिनों के बाद हम अंडा करी बना रहे हैं क्योंकि अंडे वंडे हमारे यहाँ बहुत कम ही बनते हैं और आज बहुत दिनों के बाद हम अंडे पका रहे हैं। इसी में हमने देखिए तेल में डाल दिए हैं जीरा, तेज पत्ता, लौंग, काली मिर्च, ये सारी चीजें हमने डाल दी है। और अब हम इसमें हरी मिर्च डालकर पका लेंगे। हरी मिर्च हमने खड़ी ली थी, थोड़ा बड़ी बड़ी ही ली है, बहुत छोटी नहीं किए हैं क्योंकि बच्चे ज़्यादा कड़वा नहीं खाते हैं तो इसलिए हम हरी मिर्च ऐसे ही डाले हैं खड़ी खड़ी ताकि ज़्यादा तीखा ना होने पाए। और इसी तेल में हम अदरक को पका लेंगे। अदरक के हमने थोड़े बड़े टुकड़े काटे हैं, आप चाहें तो छोटे टुकड़े भी काट कर डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ थोड़ा बड़े बड़े टुकड़े काटे हैं और जब ये हमारे सारे मसाले अच्छे से पक जाएंगे तब हम इसमें प्याज डालेंगे और प्याज को भी हम गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। हमने 2 बड़े प्याज लिए हैं जिनको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और इसे तेल में डाल करके हम इन सारे मसालों को प्याज व्याज को अच्छे से पका लेंगे। और जब ये हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन होने हो जाएगा तभी हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो ये मसाले हमारे बहुत जल्दी पकने वाले हैं। और हमने थोड़े से टमाटर भी काटे हैं, हमने 2 टमाटर यहाँ पर लिए हैं तो दोनों टमाटर हमने काट लिए हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। अब हम इसमें हल्दी डालेंगे, लाल मिर्ची पाउडर, गरम मसाला और थोड़ा सा हम मीट मसाला भी इसमें ऐड करेंगे ताकि इसका स्वाद अच्छा लगे, मीट मसाले का भी स्वाद इसमें आ जाए। तो ये सारी चीज़ें हमने डाल दी हैं और अब हम इसमें डाल देंगे कटा हुआ टमाटर। तो कटे हुए टमाटर को भी हम अच्छे से पकाएंगे, साथ ही में हम नमक भी ऐड कर देंगे। नमक जब हम ऐड करेंगे तो हमारे जो टमाटर हैं जल्दी गलेंगे। तो इस तरह से हम अंडा करी बनाते हैं। वैसे तो ये सारे मसाले अगर आप पीस के डालेंगे, प्याज या टमाटर वगैरह आप पीस के डालेंगे तो ज़्यादा अच्छी सब्ज़ी बनती है। तो यहाँ पर हमने पीस के नहीं डाले हैं खड़े मसाले, हमने सारे प्याज वगैरह हमने सब खड़ा ही डाला है छोटा छोटा काट करके। और हमने इसमें नमक भी ऐड कर दिया है, नमक आप अपने स्वाद अनुसार रखिए। 2 से 3 मिनट के लिए ढक दीजिए और ढकने के बाद आप फिर से ढक्कन हटा दीजिए और इसको चलाते हुए इसमें भुने हुए अंडे भी डाल दीजिए जो आपने फ्राई करके रखे हैं और पानी डाल करके आप इसको पकाइए। ग्रेवी आप अपने अनुसार रख सकते हैं कम या ज़्यादा, तो हमने यहाँ पर पानी 1.5 गिलास डाला है, आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो हम बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाली सब्ज़ी नहीं बनाएंगे क्योंकि थोड़ा सा हल्का तरी वाली सब्ज़ी हम बनाएंगे, बहुत ज़्यादा पानी हमने ऐड नहीं किया है। और ये सब्जी हमारी बनकर तैयार है। अब हमारा खाना बन गया है दोस्तों और अब हम जा रहे हैं कपड़े धुलने, कपड़ों की धुलाई करने क्योंकि कपड़े बहुत सारे हैं, बच्चों की ड्रेस भी हैं और भी बहुत सारे कपड़े हैं, मेरे कपड़े भी हैं। तो हम सारे कपड़े ले जाकर ऊपर धुलेंगे क्योंकि वॉशिंग मशीन हमारी ऊपर रखी है, सबसे ऊपर हमें जाना पड़ेगा। और धूप आप लोग देखिए कितनी तेज़ हो रही है, ये देखिए हम बाहर का थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं कि धूप बहुत तेज़ है, तो ये देख सकते हैं
देखिए कितनी तेज धूप है, तो कैसे करेंगे, तो अभी सोच रहे हैं थोड़ा सा रुक जाते हैं। 4 बजे के करीब हम कपड़े धुलें। जहाँ पे हमारी वॉशिंग मशीन रखी है वहाँ पर वैसे तो मतलब खुला नहीं है, बरामदा है, बरामदे के नीचे ही रखी हुई है। अभी हम आपको वो भी दिखाएंगे कि मशीन हमारी कहाँ पर रखी है। लेकिन उमस बहुत लगती है, धूप तेज रहती है तो पूरी दीवारें गर्म हो जाती हैं, जिसके कारण बहुत गर्मी लगती है, तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। अब हम कपड़े लेकर जा रहे हैं, कपड़ों को भी हम मशीन में डाल आते हैं। वॉशिंग पाउडर डालकर मशीन को चला देंगे और उसके बाद हम फिर से, कपड़े बहुत ज़्यादा हैं, चादर वगैरह भी थी हमारे पास, तो चादर वगैरह भी हम धुलेंगे। और बच्चों के भी छोटे छोटे कपड़े हैं, हस्बैंड के भी एक जोड़ी कपड़े हैं, तो हम ऊपर ही ले जाकर धुलेंगे। तो हम ऊपर जा रहे हैं कपड़े धुलने, क्योंकि ऊपर धुलते हैं तो हमको आसान रहता है, क्योंकि हमको फिर नीचे से ऊपर लेके नहीं जाना पड़ता है, इसलिए हमने अपनी मशीन ऊपर रखवा ली है ताकि हमको दिक्कत ना हो। ऊपर ही धुलते हैं और ऊपर ही हम सुखा लेते हैं कपड़ों को, तो हमको आसान रहता है। तो दूसरी मंजिल पे हमको जाना रहेगा, हम ऊपर ही जाएंगे कपड़े धुलने, और इसीलिए हम रोज़ रोज़ कपड़े नहीं धुलते हैं, हफ्ते में एक बार ही हम कपड़े धुलते हैं और सारे कपड़े इकट्ठे ही धुल लेते हैं। तो ये हमारी ऊपर वॉशिंग मशीन रखी हुई है, आप लोग देख सकते हैं कि बरामदे में मशीन हमारी है और बाहर की तरफ धूप दिखाई दे रही है जहाँ पे हम कपड़े सुखाएंगे। तो मशीन में हम कपड़े डाल देंगे और डालने के बाद अभी हम फिर से नीचे चले जाएंगे, क्योंकि कपड़े अभी धुलने में भी टाइम लगेगा, कम से कम आधा घंटे तो लग ही जाते हैं एक राउंड घूमने में। तो अभी हम सारे कपड़े डाल देंगे और निरमा भी डाल देंगे इसी में, वॉशिंग पाउडर डाल करके हम मशीन को चला देंगे और नीचे चले देखा जाएंगे। दोस्तों आप लोगों ने कि हमारी मशीन ऊपर रखी है, तो हम दूसरी मंजिल पे आए हुए हैं और ये हमारी मशीन चल रही है, कपड़े हमने डाल दिए हैं और ये कपड़े अभी धुलेंगे। थोड़ी देर तक हम वेट करेंगे, अभी हम नीचे चले जाएंगे और उसके बाद थोड़ी देर के बाद हम फिर से आएंगे, फिर से मशीन को घुमा जाएंगे और फिर हम सारे कपड़े धुल के फैला देंगे और ये हमारा दोपहर तक का पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारा जो भी काम होगा वो शाम का होगा, अभी फिर हम खाना वाना खाएंगे। अब हम जा रहे हैं खाना खाने दोस्तों। तो देखिए हमने चावल बना लिया है, तो ये आप लोग देख सकते हैं कि हमारा चावल बनकर तैयार है। और हमने मिक्स दाल बनाई है, दाल मैंने आपको दिखाई थी, तो मिक्स दाल भी हमारी बनकर रेडी हो गई है। ये देखिए हमारी दाल भी बन गई है, हम आपको दाल भी दिखा देते हैं। ये हमारी दाल बनकर तैयार है, मिक्स दाल, और सब्जी तो हमारी बनकर तैयार ही है, सब्जी हमने पहले बना ली थी। तो अभी रोटियां नहीं बनाई हैं, तो रोटी नहीं खाएंगे हम, पराठे बनाए थे सवेरे बच्चों के लिए, तो पराठे रखे हुए हैं और हमको भूख लगी है, तो अब हम पराठे के साथ ही खाना खाएंगे। जो कपड़े हमने मशीन में डाले थे वो हमने रात को 8 बजे के करीब धुले हैं, क्योंकि धूप बिल्कुल नहीं है और इस टाइम बहुत अच्छा रहता है, ठंडा मौसम रहता है। तो हम रात के समय ऊपर आए हैं और सारे कपड़े धुल के हमने फैला दिए हैं और सारे कपड़े हमारे धुल गए हैं। सवेरे तक ये कपड़े अच्छे से सूख जाएंगे दोस्तों। तो आप सभी लोगों ने देखा हमारी वीडियो को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।